सब्सक्राइब करो दिव्या पंजाब टीवी अते बैल आइकन नु प्रेस करो नवियां अते ताजियां खबरां वेखण लई। गुरदासपुर के स्प्रिंगफील्ड स्कूल में 6वीं पंजाब स्टेट जूनियर फेसिंग चैंपियनशिप करवाई गई। इस मौके पर पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा और एसएस बोर्ड के चेयरमैन रमन बहल, पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन अमनदीप सिंह चीमा भी शामिल हुए। आए हुए मेहमानों ने जीतने वाली टीमों को भी सम्मानित किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए फेंसिंग एसोसिएशन गुरदासपुर के जिला अध्यक्ष जगतार सिंह ने बताया कि यहां पर पंजाब लेवल की चैंपियनशिप करवाई गई है, जिसमें लड़कों और लड़कियों की टीमों ने भाग लिया। इस मौके पर लड़कियों में फतेहगढ़ साहिब और लड़कों में पटियाला जिला जेतू रहा, जिनको पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा ने नाम देकर सम्मानित किया। पंजाब स्टेट चैंपियनशिप हुई है गुरदासपुर च, अंडर 20 हुई है, ये बहुत ही बच्चों ने वधिया तरीके प्रदर्शन किया वा, जिसे लड़कियों की टीम गुरदासपुर की सैकंड आई है, तो पटियाला थर्ड आया है। इस तरीके बहुत ही फेयर टूरनामेंट करा के बच्चे इन्ने खुश ने कि वाकई इदा टूरनामेंट होना चाहिए। अजा गुरदासपुर के इंडिविजुअल बच्चे लड़कियां खेडिया ने, उन्हें बड़ा फखर वाली गल आ कि दोवें प्लेयर जे गुरदासपुर के फर्स्ट भी और सैकंड भी जो इंडिविजुअल खेडे है, तो दोवें गुरदासपुर के प्लेयर होने करके पूरे पंजाब में दो अगे आई हैं जित के सारे पंजाब में, तो इन्हों मैडल भी जरा गुरदासपुर गया वा। ये असि बच्चों वास्ते अज ब्रह्म महिंद्रा जी आए ने, नाल रमन बहल जी आए ने, एस एस बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने चीमा जी आए ने, तो पंजाब एसोसीएशन के जो सैकटरी ने अनिल अरोड़ा जी वो भी इतने विशेष तौर पर पहुंचे ने। इस तरह टीम जगिया लड़कियां है 12 टीम लड़कियां है, 3 दिन लगातार प्रोग्राम चलिया वा, तो बहुत वधिया तरीके फर्स्ट जरा वा लड़कियों में तो फतेहगढ़ साहब आया वा, तो लड़कियों सैकंड जरा गुरदासपुर आया, थर्ड पटियाला आया वा। टीम इवेंट फतेहगढ़ साहब हराया, फाइनल 15-12 ना जितते हैं, तो इंडिविजुअल मैं गुरदासपुर की कुड़ी ही मेरे नाल को जीती हैं 15-14 ना। फेंसिंग इदा की गेम है जी इंडिया थोड़ी घट पॉपुलर है, पर बाहर वाले देशों में बहुत ज्यादा ही मतलब खेडी जाती है, तो मतलब आ गेम पहली ओलंपिक्स ओलंपिक गेम्स शुरू तो ओलंपिक्स है, तो आ गेम बहुत वधिया, हर मतलब हर तुहाडी बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत वधिया गेम है, तो करके ज्यादा तो ज्यादा लोगों को बनानी चाहिए है गेम। स्टेट कॉम्पीटिशन चलन दिया इतने बहुत अलग अलग जगह तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तो लोग आए ने, स्टूडेंट्स आए ने जिहड़े गेम च इंटरस्ट लैंदे ने ते पार्टिसिपेट कर रहे ने, ते हुण अज सारे दे फाइनल होए ने, ते कई गोल्ड सिल्वर मैडल सारे दे आए ने, ओवरऑल ट्रॉफीज आई ने, सारे बच्चे गेम च इंटरस्ट लैंदे ने ते वधिया परफॉर्म कर रहे ने। ये चैंपियनशिप 30 नवंबर तो शुरू हुई सी, ते अज 2 दिसंबर नूं खत्म होंदी है, ते सारे इवेंट्स बहुत वधिया तरीके नाल इत्थे खत्म हो चुके ने। इत्थे ओवरऑल ट्रॉफीज आई ने, पटियाले दी आई ने, गुरदासपुर दी आई ने, फतेहगढ़ साहिब दी आई ने, ते और बठिंडा, इन्होंने सारे की ओवरऑल ट्रॉफीज आई ने। फाइनल इतने गुरदासपुर वर्सिज गुरदासपुर फाइनल हुए हैं, पटियाला वर्सिज पटियाला होने, कई गुरदासपुर के जीते ने, पटियाले के भी जीते ने। एक गर्ल्स वास्ते बॉयज वास्ते दोनों वास्ते बहुत वधिया गेम है, तुम मतलब इतने पार्टिसिपेट करोगे अगे जाके फ्यूचर जो तीन जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी जो गेम्स इन्वॉल्व होंगे ने, उन्होंने वास्ते वधिया बेटर ब्राइट फ्यूचर होगा। सेल्फ डिफेंस वास्ते बहुत वधिया गेम है, मतलब जो तुम सीखोगे एक दो महीने चीज सीख जाओगे, फिर उस तो बाद वधिया परफॉर्म करोगे, तो वधिया लेवल से तुम जाके सीख सकते जो गेम। अवतार सिंह, दिव्या पंजाब टीवी, गुरदासपुर।